उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू हो गया है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शुक्रवार को उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम और निवारण के उपाय अध्यादेश 2023 पर मोहर लगा दी है। राजभवन ने 24 घंटे में भीतर यह कदम उठाया और अब भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक नकल कराने या अनुचित साधनों में लिप्त पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा मिलेगी। साथ ही 10 करोड़ रुपए तक जुर्माना भी देना पड़ सकता है और इस गैर जमानती अपराध में दोषियों की संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में अब नकलचियों की खैर नहीं। राज्य में लागू हुआ नकल विरोधी कानून। कानून में किए गए हैं कड़े प्रावधान। नकल करते पकड़े जाने पर होगी कड़ी कार्रवाई। 10 साल की जेल और 10 करोड़ के जुर्माने का प्रावधान। छात्रों की मांग के बाद लागू किया गया नकल विरोधी कानून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कड़ा कानून बनाया है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय अध्यादेश 2023 पर मुहर लगा दी है। राजभवन में 24 घंटे के भीतर एक कदम उठाया गया है। अब भर्ती परीक्षा में पेपर लीक नकल कराने या अनुचित साधनों में लिप्त पाए जाने पर उम्र कैद की सजा मिलेगी। साथ ही 10 करोड़ रुपए का जुर्माना भी देना पड़ेगा और गैर जमानती अपराध में दोषियों की संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। उत्तराखंड एंटी कॉपिंग लॉ के तहत छात्रों के पेपर लीक किए जाने के मामले में भी कड़ी कार्रवाई का फैसला लिया गया है। एक्ट में प्रावधान किया गया है कि अगर कोई छात्र भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक करता है या फिर नकल करके परीक्षा पास होता है तो उस छात्र पर 10 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर कोई छात्र इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है तो वह 10 वर्षों तक किसी भी भर्ती परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेगा। वह भर्ती परीक्षाओं में हिस्सा नहीं बन पाएगा। ऐसे में छात्रों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया जाएगा, साथ ही उनकी संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। ये नियम प्रश्न पत्र लीक करने वाले और उससे खरीद कर बेईमानी से परीक्षा पास कराने वाले छात्रों पर भी लागू होगा। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। सर, जैसे ऑफकोर्स ये बात है कि चीटिंग करना अच्छी चीज नहीं होती है। अब जैसे अगर पेपर लीक होते हैं, जो होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि वो पैसे दे देते हैं और पेपर लीक करवा लेते हैं, और मतलब जैसे बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, मतलब जैसे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिनके लिए बच्चे बहुत बहुत टाइम से पढ़ रहे होते हैं, और अगर एक बारी में ही कोई बच्चा पेपर लीक करवा के उसको क्लियर कर लेता है तो बच्चों के लिए वो चीज़ एक बहुत डीमोटिवेशन वाली चीज़ होती है। नकल विरोधी कानून आया है, ये बहुत सही चीज़ है। नकल विरोधी कानून आना बहुत ज़रूरी भी था, क्योंकि अगर हम दूसरी कंट्रीज भी देखें जैसे सऊदी अरेबिया वगैरह, वहाँ पर भी काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉ है जिससे लोग गलत काम करने से डरते हैं। और हमारे इंडिया में ऐसी चीज आनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ का कानून जो है बहुत ज्यादा उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं जैसे बाहर है। तो यहाँ पे क्राइम्स भी है, वैसे सऊदी अरेबिया में क्राइम रेट भी बहुत कम है इस वजह से। ये अध्यादेश बहुत अच्छा है हमारे राज्य के लिए। इससे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं इनको काफी प्रॉफिट होगा, क्योंकि जो स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं उनके साथ तो इसमें कोई नाइंसाफी नहीं होगी। नकल अध्यादेश के ये गुनाहगारों को सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। जो ये बच्चे चीटिंग करते हैं इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि सर इन्हीं के कारण जो बच्चे मेहनत करते हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। देखिए, नकल करना कभी भी सही नहीं रहा है किसी के भी लिए। नकल करके वो लोग आगे बढ़ जाते हैं जो उस काबिल भी नहीं होते। पहले जो नियम पहले भी थे, पर कहीं ना कहीं ये प्रशासन की गलती है कि उन नियमों का पालन वो नहीं करा पाई। बहुत सारे बच्चे जो ऑनेस्टली पेपर दे रहे हैं, जो ऑनेस्टली प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, उनका लॉस था इस वजह से कि आप जो है नकल कर लें पैसे दे के, या फिर पेपर लीक हो जा रहे थे। कितनी बार पेपर अभी रिसेंट उसमें लीक हुए एग्जाम्स में। तो इस हिसाब से बहुत अच्छा सेवे धामी जी का होना चाहिए ऐसा, क्योंकि जो मेहनत से आगे बढ़ रहा है उसकी मेहनत क्यों विफल हो।